एक बड़ा अच्छा सुजेशन दिया था आप में से किसी ने कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट मैट्रिसेस को थोड़ा समझा दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। तो जलंधर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का ये सीट मैट्रिसेस है, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, टोटल 100 सीट है। मैनेजमेंट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, को एजुकेशनल है। ये इंपॉर्टेंट है कि माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं साथ में मिलेंगे आपको। चार सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड पंजाबी। ये आपको कॉलेज की तरफ से अलॉट किए जाएंगे जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा जलंधर, तब ये ऑप्शन आपके पास होगी। लेकिन आप सेलेक्ट करने से पहले ये माइनर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यहां बता दूं, ये क्यों देखने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी इसमें नहीं है, हिंदी नहीं है और हिंदी आपने इलेक्टिव 3 साल पढ़ी हुई है, तो ये बेटर है कि आप इनमें से जिसका भी लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, तो हिंदी आपको यहां अगर नहीं मिलती तो आपको कंसिडर करना होगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या नहीं। ये आपके लिए दुचित्ती का कारण हो सकता है। अगर नहीं, आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ी है, मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा है, फिजिकल साइंस 3 साल पढ़ी है, पंजाबी पढ़ी है, तो बिना रुके आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कीजिए। अगर कोई और 3 साल पढ़ा है, कारण ये है कि 3 साल पढ़े होने के बाद, इलेक्टिव और 3 साल पढ़े हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इमीडिएट एलिजिबल हो जाते हो। अगर इसकी जगह पर आप फिर जनरल पंजाबी की और जनरल इंग्लिश की जगह पर ये इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेते हो, वो आपने बेशक 3 साल पढ़े हैं लेकिन जनरल है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पंजाब के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। उसके लिए आपको फिर इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। दैट इज वाई वाइल सेलेक्टिंग मेजर सब्जेक्ट यू have to keep in mind the minor subjects which are given by Government College of Education Jalandhar. अब ये देख लें कि कौन से सब्जेक्ट हैं। मेजर सब्जेक्ट में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है, 10 total सीट्स हैं इसकी। उसमें से पंजाब का कोटा जो 85% है उसमें 8 सीट आ रही हैं और जनरल कैटेगरी की 4 है, एससी कैटेगरी की 2 है, बाकी में ओबीसी की 1 है। यही ज्यादा इस पर जोर दूंगा, ये आप खुद रीड कर लेना। इसके अलावा जो 15% कोटा है ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का हो सकता है कि बाहर के लोग प्रेफर कर लें, ये प्रोबेबिलिटी है, प्राइवेट कॉलेजों को नहीं करते या कम करते हैं। तो बाकी बची कंप्यूटर मेजर सब्जेक्ट की सीट्स बचती हैं जनरल कैटेगरी के लिए 2 और हाँ टोटल 2 है इसकी बचती, ठीक। 8 पंजाब के लिए है, नॉन पंजाब के लिए 2 सीट्स है। तो दूसरा है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट के साथ जो लैंग्वेज ही मेजर सब्जेक्ट क्या आपको माइनर मिलेगा, जहां इंग्लिश मिलेगी, जहां पंजाबी मिलेगी, हिंदी नहीं अवेलेबल, ये कंसिडर कर लीजिए। फाइन आर्ट्स की टोटल 10 सीट्स हैं, डिवीजन लगभग वही है, लेकिन यहां 9 है पंजाब के कोटे में, 5 आ रही हैं जनरल कैटेगरी को, 1 आ रही है एससी को और 1 आ रही है ओबीसी को। तो ये मेरे ख्याल में कोटा में ना एक्सप्लेन करूं, ये आप खुद देख लीजिए। ओके, 10 सीट्स होगी। देन होम साइंस, बड़े बड़े मैं जिन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ उनको सलाम, वो होम साइंस के हैं मेरे, डॉक्टर परमिंदर कौर, वो यही टीच करते थे। तो होम साइंस उन्हीं के साथ जुड़ा रहा है कितने टाइम से, 10 सीट्स हैं, उनकी बुक भी है होम साइंस पर। 9 सीट्स बच रही हैं पंजाब स्टेट सीट और 3 उन्हें उसमें से जनरल कैटेगरी को, 1 एससी को और 1 ओबीसी को। तो ये पंजाब दूसरे कोटे में जा रही हैं, 1 सीट है सिर्फ, वो भी जनरल कैटेगरी को, 15% कोटे में आउट ऑफ पंजाब वाले में। लाइफ साइंस, इसकी 15 सीट्स हैं, इसकी ज्यादा सीट्स हैं, साइंस वालों को ज्यादा फायदा है, याद रखना है ये साइंस की नहीं है। ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि साइंस वाले 10th तक TGT के लिए एलिजिबल है, लेकिन लाइफ साइंस वाले जो है, टीचिंग ऑफ पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, ये जो आप PGT के लिए एलिजिबल होंगे। तो PGT के लिए बनना चाहते हो तो लाइफ साइंस यहाँ है। 13 सीट्स हैं जो बचती आपके लिए पंजाब स्टेट सीट्स और 7 जनरल के लिए है, 4 है एससी के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, बाकी आप
खुद देखेंगे। मैथमेटिक्स की कम है, बहुत कम है, 5 सीट्स है, 5 में से 4 आ रही है पंजाब कोटे में, 2 जनरल में, 1 एससी में, बीसी में कोई नहीं है। म्यूजिक की 10 सीट्स है, म्यूजिक के 10 सीट्स में से 9 पंजाब को मिल रही हैं, 4 उसमें से जनरल कैटेगरी को, 2 जा रही हैं एससी कैटेगरी को और ओबीसी को 1। फिजिकल एजुकेशन 10 सीट्स हैं, 7 पंजाब कोटे को मिल रही है, 4 जनरल को, एससी को कोई नहीं रखी गई, ठीक है, ये जरूर देख लीजिए, और ओबीसी की 1 सीट है। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस, ये जैसे ये लाइफ साइंस है वैसे फिजिकल साइंस है, तो फिजिकल साइंस जिन्होंने केमिस्ट्री, एक जने ने आगे क्वेश्चन भी पूछा है, केमिस्ट्री जहां आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, तो आप फिजिकल साइंस ले सकते हो। 15 सीट्स है पंजाब कोटे में, 13 है 7 है जनरल कैटेगरी की और 3 है एससी कैटेगरी की, 1 ओबीसी कैटेगरी की है। सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बच्चे बड़े वो लगाते हैं ना, ये उड़ा दो बाकी सारा। सोशल साइंस के, सोशल साइंस की 13 सीट्स पंजाब को मिली है, 7 जो है जनरल कैटेगरी की है और एससी की 3 सीट्स हैं, ओबीसी की 0 है, ओबीसी की 0 है, वेरी सॉरी, क्योंकि कोई मेरे से गाइडेंस भी मांग रहा था इसके रिगार्डिंग, तो वो सीट ही नहीं है, दैट इज वाई सीट मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी का हाँ एक आस रख सकते हैं आप, जैसे कि एससी यहां पर है, ये ऑल इंडिया कोटे में 2 की 2 जनरल को जा रही है, अभी ओबीसी की एससी में कोई नहीं है। कई बार होता है कि ये जो सीट नहीं बचती सेकंड काउंसलिंग में, मेल 15% है ना, मान लीजिए 10% ही फिल हुई है, तो 5% जो बचती है ना वो इसको पंजाब कोटे में कन्वर्ट कर दी जाती है, वो सीट आपको बाद में मिल जाती है, लेकिन वो फर्स्ट में नहीं सेकंड काउंसलिंग में ऐसा होगा। तो ये था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, मेरे वाला कॉलेज। ये कॉलेज का वेरी थैंक्स, मैं इतना नालायक था तो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं पास भी हो जाऊंगा, लेकिन वहीं से मेरी बीएड और एमएड इसी कॉलेज से है। थैंक यू कॉलेज एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, पाई लागू भी उनको। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटियाला में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलिएटेड है। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉइंट इसकी क्या है कि इसकी इंटेक ज्यादा है, 150 के करीब है, 150 है, मैनेजमेंट कोटा होता नहीं है, को एजुकेशनल है, ये फायदा है लड़कों को भी, क्योंकि लड़कियों के ज्यादा कॉलेज होते हैं। माइनर सब्जेक्ट को एक बार देख लीजिए, ये जरूरी है, यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है, यहाँ पर माइनर कंप्यूटर एजुकेशन आपको मिल सकता है, नंबर 1, और इकोनॉमिक्स 2, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस हैं इसमें, ठीक। लाइफ साइंस माइनर भी है, मैथमेटिक्स भी माइनर है, फिजिकल साइंस भी माइनर है, तो यहां आपकी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं पटियाला के कॉलेज में एज कंपेयर टू जलंधर के कॉलेज में। वहां 4 आपको माइनर सब्जेक्ट मिल रहे थे, तो कॉमर्स के साथ जैसे आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, पहला है ना ये, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, कॉमर्स के साथ आप इंग्लिश भी ले सकते हो, कॉमर्स के साथ आप पंजाबी भी ले सकते हो, कॉमर्स के साथ हिंदी नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में, हिंदी नहीं पढ़ी होती, कम से कम एक साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले, ये आपको कंसिडर करना है जब आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। आपने 3 साल इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसकी पेडागोजी जरूर लीजिए, अंडरलाइन सभी वीडियो का निचोड़ बता रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट है कॉमर्स, कॉमर्स की 15 सीट्स हैं, मेरे ख्याल जलंधर वालों को फायदा नहीं है क्योंकि कॉमर्स की कोई सीट नहीं है जलंधर में गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ 15 सीट्स हैं और 13 सीट्स पंजाब कोटे में आ रही है, 7 जनरल में, 2 एससी को और 1 बीसी को, है ना, ये जो है 1 जनरल 1 एससी 2 टोटल आ रही हैं आउट ऑफ पंजाब कोटा, ऑल इंडिया कोटा जिसको बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर एजुकेशन, ये देखिए कंप्यूटर एजुकेशन मेजर भी है, कंप्यूटर एजुकेशन माइनर भी है, मान लीजिए यहाँ मैथ्स है वहां कंप्यूटर हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये कौन सा लाइन उससे जुड़नी है, आपने ग्रेजुएशन में क्या 3 साल पढ़ा है या 1 साल पढ़ा है। अच्छा, ये 3 साल वाले ये हैं, ये हर हालत में 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए
और ये एक साल भी चल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 3 साल बाद में करने पड़ेंगे। अच्छा, कंप्यूटर एजुकेशन की 10 सीट्स हैं, 8 पंजाब कोटे में आई हैं, 4 जनरल में हैं, 1 एससी और 1 ओबीसी, ठीक, 2 एक एक बच रही हैं जनरल और ओबीसी ऑल इंडिया कोटे में। इकोनॉमिक्स 10 सीट्स हैं, 8 पंजाब कोटे में, 4 आ रही हैं जनरल कोटे में, एससी में 2 है और 0 है ओबीसी में, कोई नहीं है। अगर ओबीसी का कैंडिडेट कोई वेट कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज की तो नेचुरली है उसको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। तो ये रहा आपको 1-1 वैसे ही है, ये यहां से देख लीजिए। फाइन आर्ट्स के साथ मोस्टली लैंग्वेज का ही कॉम्बिनेशन बनना है, यहाँ इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों अवेलेबल है। 10 सीट्स हैं, 8 बन रही हैं पंजाब कोटे की, 4 बन रही है जनरल कैटेगरी की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की। नेक्स्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर आप लेते हो तो आप पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, अगर क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो आप सोशल साइंस ले सकते हो, ये वाला आप ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, दोनों है। मतलब ये ज्योग्राफी वाले इधर भी आ सकते हैं, इधर वाले इधर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एमएससी ज्योग्राफी करना चाहते हो तो नेचुरली आपको पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी प्रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज आप एसएसटी की तरफ जाते हो तो आप एलिजिबल गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी नहीं बनते, क्योंकि आपको दूसरी सोशल साइंस ज्योग्राफी के साथ एडिशनी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें ज्योग्राफी हर हालत में सोशल साइंस वालों को करनी पड़ती है, उसके साथ हिस्ट्री भी। ज्योग्राफी की है 8 पंजाब कोटे में आ रही है, 4 जो है जनरल कैटेगरी की, 2 एससी की, 0 ओबीसी की, उड़ा रहा हूं, नेक्स्ट देख ले हैं। ज्योग्राफी हो गया। होम साइंस 10 सीट्स हैं, 8 पंजाब कोटे में है, 4 जनरल की, 2 एससी की, 1 है ओबीसी की। और लाइफ साइंस है नॉट साइंस, 13 सीट्स हैं, 13, 11 पंजाब कोटे को मिली है, 6 जनरल कैटेगरी को है, 2 है एससी कैटेगरी की, 1 है ये ओबीसी की। मैथमेटिक्स की 16 सीट है, ज्यादा है जी, 14 पंजाब कोटे को मिली है, 7 जो मिली है जनरल कैटेगरी को, 3 मिली है एससी को और 1 मिली है ओबीसी को। म्यूजिक की है 10 सीट्स, 10 में से 9 है पंजाब कोटे की, 5 जनरल की, 2 एससी की, 1 ओबीसी की। फिजिकल एजुकेशन की 10 सीट्स है, 10 सीट्स में से 9 पंजाब कोटे को मिली है, 5 है जनरल कैटेगरी की, 2 है एससी की, 1 है ओबीसी की। फिजिकल साइंस देखिए, इसमें इस कॉलेज में फिजिकल साइंस भी अलग से है, ये रहा फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, ये दोनों अलग से हैं। इट मीन्स अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है तो आप ये ले सकते हो फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की 14 है कोटे को मिली पंजाब कोटे को, टोटल 16 सीट है पंजाब वालों को, 14 मिलेगी, 7 जो है जनरल कैटेगरी की, 3 है जो एससी की, 1 है ओबीसी की। सोशल स्टडी की कितनी है, 20 सीट, सबसे ज्यादा 150 थी ना टोटल, तो सोशल स्टडी वालों को पंजाब स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला में फायदा है थोड़ा, 20 है। 17 हमें मिली है पंजाब कोटा वालों को, 9 जनरल को, 3 एससी को, 1 ओबीसी को, तो इस तरह से 150 है। बाकी मेरे ख्याल ये देखने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन कितनी जनरल के लिए कितनी इसके लिए है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो। हाँ, इनको देख लीजिए कि आपने आपका इनके साथ कौन सी कॉम्बिनेशन बनता है, पहले से अपना कॉम्बिनेशन बनाइए फिर इस कॉलेज को असेस कीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो पहली प्रेफरेंस अगर आप चाहते हो, मैं नहीं कहता, बाकी फैक्टर भी आप देख रहे हैं क्योंकि प्रेफर इस पर बहुत कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज को। फीस जो इसकी लगभग मेरे ख्याल में 35 या 40 के करीब होगी आपकी 2 साल की, वो अलग से पता करके बता दूंगा। नेक्स्ट है पंडित चेतन देव गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदकोट, यहाँ एग्जाम लेने गया हूं मैं, एमएड भी है यहाँ पर। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ है, 100 इंटेक है, को एजुकेशनल है, हाँ ये देख लीजिए जरूरी है, यहाँ पर कम है, माइनर प्रोवाइड किए गए, इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों लैंग्वेज है, ये गुड है, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन है। एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि गवर्नमेंट ने टीचर प्रोवाइड करने होते हैं, अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो वो माइनर फिर प्रोवाइड नहीं करते।
इसके सीट्स ओके। कंप्यूटर एजुकेशन सबसे पहले कंप्यूटर का ही आ रहा है। हाँ, 5 टोटल सीट्स हैं, 4 पंजाब को मिली हैं, 3 जनरल की है, 1 एससी की है, बीसी की कोई नहीं है, ओबीसी की कोई भी नहीं है। हाँ, ऑल इंडिया कोटा में जनरल की 1 है। इकोनॉमिक्स की 10 सीट्स हैं, 8 पंजाब कोटे को मिली हैं, 4 हैं जनरल कैटेगरी की, एससी की 2 हैं, 1 है ओबीसी की। हिस्ट्री ये क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है कॉलेज, आप हिस्ट्री वाले एसएसटी भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, हिस्ट्री की करना चाहते हो या कर चुके हो, तो आपको पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री प्रेफर करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री के साथ अगर दूसरी सोशल साइंस पढ़ी हुई है ना, जो लिस्ट दूसरे वीडियो में दी थी 13 साइंसेस में थी, तो आपको एसएसटी सोशल स्टडी प्रेफर करना चाहिए। हिस्ट्री वालों के लिए छोटी सी खुशखबरी ज्योग्राफी वालों की तरह ही है कि जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री मिनिमम 1 सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा हुआ होना चाहिए अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट लगना चाहते हो। हिस्ट्री वालों को कहते हैं ना कि हिस्ट्री वाले ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, कोई भी डाउन नहीं है, ये बात याद रखनी, कोई सब्जेक्ट डाउन नहीं होता। हिस्ट्री 10 सब्जेक्ट टोटल है, इनटेक सीट्स 8 है पंजाब को मिली, ये हो गई है, सॉरी 8 पंजाब को मिली है, 4 जनरल कैटेगरी की है, 2 एससी की है, 1 ओबीसी की है। लाइफ साइंस 20 सबसे ज्यादा, 17 पंजाब को मिली है, 7 जो है जनरल कैटेगरी को, 3 जो है एससी को, 1 ओबीसी को। मैथमेटिक्स कम सीट है, 5 सीट्स हैं, 5 की 5 पंजाब कोटे में है, 4 जनरल को, 1 एससी को और ओबीसी को कुछ नहीं। फिजिकल एजुकेशन की 10 सीट्स हैं, 8 पंजाब कोटे में आई हैं, 4 जो है जनरल कैटेगरी की हैं, 2 एससी की हैं, 1 ओबीसी की है। फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस भी है फिजिकल साइंस भी, अलग अलग से रखे हैं। फिजिकल साइंस 15 सीट्स हैं, 13 सीट्स पंजाब को मिली है, 6 जो है जनरल कैटेगरी की, 2 एससी की, 1 ओबीसी की। सोशल स्टडी की 25, वेरी गुड, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज सोशल स्टडी की यहां पर है, सीट्स तो इनका मौज लग गई है। 22 जो है पंजाब स्टेट सीट्स हैं, 11 जनरल कैटेगरी की, 4 एससी की, 2 ओबीसी की। शुक्र है 2 ओबीसी के खाते में थोड़ा ज्यादा आया यहाँ पर, चलो बाकी जो है उधर से आप देख लीजिए, ये ग्रैंड टोटल हो गया। नेक्स्ट है कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला, ये छोटा कॉलेज है, बाद में खुला है, मेरे ख्याल 2004 में खुला था। तो इसमें 50 सीट्स हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ही है ये भी, 50 सीट्स हैं, को एजुकेशनल है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स माइनर है, 2 लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश और पंजाबी अवेलेबल है। तो इनका सीट मैट्रिसेस देख लेते हैं, कॉमर्स की 6 सीट टोटल है इनके पास, पंजाब को 5 मिली है, 4 जनरल को, 1 एससी को, ओबीसी को कुछ नहीं। यो टोटल इनमें से जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटे में 1 मिली है। कंप्यूटर एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, जहां कंप्यूटर अकेला लिखा हुआ है, 4 सीट्स हैं इनकी, 3 मिली है पंजाब को, 2 जनरल कैटेगरी को, 1 मिली है एससी को, ओबीसी को 0। मैथमेटिक्स में 12 सीट है, 12 सीट्स हैं, 10 मिली है पंजाब को, 5 मिली है जनरल कैटेगरी को, एससी को 2 और 1 मिली है ओबीसी को, यहां ओबीसी का खाता खुल गया। और साइंस, ये देखिए इन्होंने साइंस रखा है, वहां फिजिकल साइंस था ना, ये साइंस है। साइंस वाले किसके लिए एलिजिबल है, पीजीटी के लिए, ये प्रेफर करना चाहिए, 10th तक टीच कर सकते हो आप, है ना, प्रोवाइडेड आपने ये इंटीग्रेटेड है ना, 2 साइंसेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, जो मैं साइंस वाली वीडियो में बताते हैं, वो वीडियो देख सकते हो आप, हाउ टू चूज बेस्ट कॉम्बिनेशन इन साइंस, हाउ टू चूज बेस्ट कॉम्बिनेशन इन सोशल साइंस, हाउ टू चूज बेस्ट कॉम्बिनेशन इन आर्ट्स, ऐसे ही कॉमर्स में। वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं, इनमें से अगर आपने डिटेल जानकारी लेनी है तो देख सकते हैं। सोशल स्टडी की 14 है भाई, अच्छा साइंस की भी रहती है अभी, साइंस की 14 है, 12 पंजाब को मिली है, 6 जनरल की है और 2 एससी की है, 1 ओबीसी की है। सोशल स्टडी की भी 14 है, 12 पंजाब स्टेट को मिली है, 6 मिली है जनरल कैटेगरी को, पंजाब की कैटेगरी को, और एससी को 2, ओबीसी को 1।
दैट इज ऑल। इसके अलावा जो आप वेट कर रहे होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, वो कॉलेज जो चंडीगढ़ में है वो यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, उसकी अलग से काउंसलिंग होती है। ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था, उसका उत्तर यही है कि उसकी अलग से काउंसलिंग होती है, ये बच्चे उसमें शामिल नहीं होते, उनको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। इवन जो यूनियन टेरिटरी में जितने भी बीएड के कॉलेज हैं, 3-4-5 के करीब कॉलेज हैं, देवसमाज कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी उसके बाहर आ जाते हैं पटियाला यूनिवर्सिटी जहाँ नजदीक ही है चंडीगढ़ के, पटियाला यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के दोनों हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज का आप पूछना चाहते हो तो अलग वो अप्लाई करना पड़ता है, तो वो उसको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता, दैट इज वाई लिस्ट में वो अवेलेबल नहीं है। मैंने चंडीगढ़ से ये जानकारी ली थी। तो ये था गवर्नमेंट कॉलेज का। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, डॉक्टर तेज सिंह लर्न टू एक्चुअलाइज, बड़ी तेजी मत कीजिए, पहले दिन काफी हैं, अभी आप आराम से अपने कॉम्बिनेशन पर विचार कीजिए, विचार करने के लिए प्रेफरेंस बनाइए जो मैंने दी थी, उनमें गवर्नमेंट जॉब भी आ रख सकते हो, अपनी खुशी भी रख सकते हो, इंटरेस्ट और अपना एटीट्यूड स्किल एप्टीट्यूड सॉरी स्किल्स भी रख सकते हो कि मैं किसको बेटर टीच कर सकती हूँ, अपना एम देख सकते हो, मैं पीजीटी बनना है पीजीटी बनना है ना, तो ये सारे फैक्टर है कंसिडर करके फिर देखिए आप एलिजिबल किसके लिए बन रहे हो। ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने प्रेफर किसको करना है। थैंक यू।